बाकी मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन इस वक्त आपके दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, मैं उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। आई थिंक आप जो कहना चाह रही ना दुआ, शायद कह ना पाए, लेकिन आपकी ये मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि आपके लिए अपने दिल में कोई जज्बात रख सकूँ या आपको पाने का ख्वाब देख सकूँ। देखिए तकी, इस शराब का छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था मेरे पास। मैंने खुदा की जात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और मैं अपने अकीदे और ईमान को कयामत तक महफूज रखना चाहती हूँ, वरना उनसे अलग होने का और कोई जवाब ही नहीं था। He loved me and he still loves me. और आप? मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, मैं इस वक्त किसी और शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं उस शख्स के साथ बहुत बेईमानी करूँगी। लेकिन दुआ, आपकी आपकी फैमिली आपके लिए बहुत परेशान है, फिक्रमंद है वो लोग। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, आप प्लीज रिश्ते से इनकार कर दें। तयान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं शायद उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकूं। उसकी ख्वाहिश को पूरा करना अभी मेरे बस में नहीं है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल भी बदगुमान नहीं होगा इस फैसले के बाद, आपके इनकार के बाद, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर दिया है, शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा दयान से। बस प्लीज़ दयान को इस बात का पता ना चले कि मैंने आपसे ये बात की है। इट्स फाइन, पिछली दफ़ा भी आपकी बात का मान नहीं रख सका था, उसके लिए आज तक शर्मिंदा, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपसे मिलने से पहले ऐसा नहीं था, आपसे मिलकर ही ऐसा। चलो जी। तो दुआ के साथ मोहब्बत करेगा, इजहार अकीदत करेगा, और तू जिंदा रहेगा।